नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ शिवम और आप देख रहे हैं सिनेमाई। अतिथि भूतो भव। हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड की बड़ी बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन कर रही हैं। कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जिसे दर्शक सिनेमा घरों में देखने जाएं और वाह वाह करते हुए बाहर आए। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कहानी। आप मानिए या ना मानिए, लेकिन बॉलीवुड आज स्टोरी क्राइसिस से जूझ रहा है। फिल्म की कहानी दर्शकों को लुभाने में नाकाम साबित हो रही है। हाल ही में हार्दिक गज्जर डायरेक्टेड फिल्म अतिथि भूतो भव का ट्रेलर रिलीज हुआ, जो कि इसी हफ्ते यानी 23 सितंबर को Z5 पर रिलीज होने वाली है। अब बात इस फिल्म के ट्रेलर की। सच कहूं तो आप इस ट्रेलर को देखकर ये कह सकते हैं कि इस फिल्म की कहानी में कुछ नया देखने को मिलेगा। इस फिल्म की लव स्टोरी आम लव स्टोरी की तरह नहीं दिख रही है। स्कैम 1992 से हर दिल में जगह बनाने वाले प्रतीक गांधी इस बार रोमांटिक हीरो के रूप में वापसी कर रहे हैं और उनका साथ देते हुए नजर आएंगी शर्मिन सहगल, जिन्हें आप इससे पहले मीज़ान जाफरी के ऑपोजिट फिल्म मलाल में देख चुके हैं। फिल्म का नाम भले ही अतिथि भूतो भवा है, लेकिन इसकी कहानी ऐसी गढ़ी गई है जिसे देखने के बाद आप प्रतीक की कहानी से खुद जुड़ जाएंगे। और ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म में एक लव स्टोरी नहीं बल्कि दो प्रेम कहानियां हैं। लेकिन एक चीज जो थोड़ी सी खटकी वो ये कि एक बार में आपको ये ट्रेलर अजय देवगन की अतिथि तुम कब जाओगे की थोड़ी याद जरूर दिलाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस ट्रेलर को आगे देखेंगे, नयापन आपको साफ नजर आएगा। न सिर्फ प्यार देखने को मिलेगा बल्कि कॉमेडी भी भरपूर होने वाली है। भूत के कैरेक्टर में जैकी श्रॉफ हैं, जो आपको हंसा भी रहे हैं और रुला भी रहे हैं। अतिथि भूतो भव में मुख्य भूमिकाओं में प्रतीक गांधी, जैकी श्रॉफ, शर्मिन सहगल दिखाई देने वाली है। ट्रेलर में कहानी कई बार फ्लैशबैक में भी जाती है और जो इस फिल्म का सबसे अच्छा और शानदार पक्ष होने वाला है वो है डायलॉग। तुम्हारा रोका हो गया? किसी ने रोका ही नहीं। आए हाय, मर जावा। इस तरह के कई सारे डायलॉग शायद हमें इस फिल्म में देखने को मिल सकते हैं। इस फिल्म की कहानी अनिकेत वाकचौर की है, जिसे लिखा है प्रदीप श्रीवास्तव और श्रेयस लवलेकर ने। कहानी में नयापन है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप भी इस फिल्म के ट्रेलर को जरूर देखिए और हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा।